अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर हरिओम कॉलोनी विकास समिति एवं अजय मेरू जिला फोटोग्राफर संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रवदाई नगर में 11 नर्सिंग स्टाफ एवं डॉक्टर्स का माल्यार्पण कर सहित और मास्क प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्पना दीक्षित, सूरदा मीणा, श्यामचंद्र, प्रेम सिंह, जानकी जितेंद्र, नरेंद्र स्नेहा, राधा सेन गगनदीप, उमेश मोहनलाल, करण उषा देवी आदि को सागर मीणा के नेतृत्व में रमेश लालवानी, नितिन सिंह, ब्रजन गोयल आदि ने सम्मानित किया। हरिओम कॉलोनी के जितने भी मतलब सम्मानजनक पुरुष यहाँ पे आए हैं, हमारा सम्मान किया पूरे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का, डॉक्टर मैम का सभी, और इनके द्वारा ही हमें सारा निर्देश अनुसार हम कार्य करते हैं। उसके अनुसार हमें अच्छा लगा, सारे लोग आए, हम आगे भी हमारी सेवा इसी तरह अच्छे से देते रहे। जो भी हमारा स्वागत करने आए उनका थैंक यू धन्यवाद। आज हमने नर्स देकर तारागढ़ रोड पर जो सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है उनकी इंचार्ज कल्पना जी के नेतृत्व में रमेश लालवानी जी के साथ मिलकर इनका सम्मान करा है। सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि COVID-19 में जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच सभी लोग अपने घरों में हैं और नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं निरंतर, तो सभी लोगों को इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। कहीं कहीं अमान्य घटना हो रही है इनके साथ, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप इनका सम्मान नहीं कर सकते, इनका निराधार ना करें, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में ये लोग अपना घर परिवार बच्चे सब छोड़ के आप लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो आप लोग इनका जितना हौसला अफजाई कर सकते हो उतना करें, इनके कार्यशैली की तारीफ करें, क्योंकि ये लोग ना दिन ना रात 24 घंटे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप जीवित हैं, आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, इन लोगों का हौसला अफजाई करें। सारे में सचिव सामाजिक सरकार के अंतर्गत हमारी संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में हमारी संस्था द्वारा जो चंद्रवरदेव नगर का सरकारी अस्पताल है उसमें जो नर्सिंग स्टाफ है उनका सम्मान किया गया। लगभग 11 नर्सिंग कर्मियों को हमारे द्वारा मास्क और डॉक्टर साहब जो रमाकांत दीक्षित जी हैं उनको साहित्य और माल्यार्पण कर पूरे स्टाफ को उनका सम्मान किया गया।